नमस्कार भाइयों मैं राजस्थान गोड फार्मर जेतो सिख बोल रहा हूँ आज के लोट में मैं सेकेंड टाइम की बकरियों के बारे में बताऊँगा कि ये साल में कितनी बार ब्याती है ठीक है फर्स्ट टाइम क्या टाइम क्रॉस होती है ये फर्स्ट टाइम की बकरी है ठीक है इसने पहली बार बच्चा दिया है ये लगभग चार दात बकरी है ठीक है इसका बच्चा भी है एक बच्चा दिया इसने ये अजमेरी ब्रीड में है ठीक है मैं डिटेल से इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि फ़ोन पर कोई बंदा फ़ोन बार बार करता है कि बकरी कितना बच्चे देती है क्या खाती है तो सारा डिटेल मैं वीडियो में एक बार बना देता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम की बकरी है भाई देखो ठीक है एक बार बच्चा दे चुकी है ये बकरी लगभग चार दांत हो गई अभी क्योंकि दो महीने लगभग इसका बच्चा इतने ही साइज़ में है ठीक है इसका बच्चा सेल आउट हो गया होगा लगभग लोट के अंदर लेकिन ये फर्स्ट टाइम की है इसका लगभग चार दांत है मतलब ये चौदह या पंद्रह महीने की बकरी है ठीक है ये चौदह पंद्रह महीने की चार दांत पे ठीक है भाई पंद्रह महीने या सोलह महीने मानो चारदात कर लेती और यह है सेकेंड टाइम की बकरी अब इसके फ्रेम में और इसके फ्रेम में समय देखो इसके कानों की लेंथ भी है क्वालिटी भी है और ये सेकंड टाइम मतलब ये दूसरी बार बच्चा देने ही वाली है लोडेड है क्रॉस है ठीक है देखिए ये एक एक्सपोर्टेड में एक चॉकलेटी में श्चुछ। 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 ये भी सेकंड टाइम की है भाई ठीक है देखो ये सेकंड टाइम की बकरी है ये भी एक्सपोर्टेड में सेकंड टाइम की बकरी है ये दूसरी बार क्या बना मतलब एक बार बच्चा दे चुकी है ये दूसरी बार लोडेड है और लोडेड भी तीन महीने की है लगभग ठीक है भैया ये बकरी है मतलब सिरोई बकरी बारह महीने नहीं कह सकता चौदह महीने क्योंकि एक दो महीने का गेप देते हैं ठीक है जैसे एक बकरी लगभग मान लो कि बारह महीने में मतलब दो दांत होती है मतलब बारह महीने तेरह महीने में दो दांत करते हैं जैसे ईद के बकरे दो दांत नहीं करते भाई बारह महीने का बच्चा चलता है या दो दांत किया हुआ ठीक है तो उसी टाइप पे 12 महीने का बकरी टाइम पे क्रॉस होती है तो 12 महीने के क्रॉस होती है तो उसके लगभग चार महीने या पाँच महीने पूरा होने पे वो बच्चा देती है ठीक है चार या पाँच महीने के अंदर बच्चा देती है सब फर्स्ट टाइम तो वो 12 महीने और चार महीने पाँच महीने जोड़ो तो कितने सत्रह महीने में पहली बार बच्चा देती है अगर सही टाइम पर क्रॉस होती है ना बारह महीने में तब तो वो सत्रह महीने में फर्स्ट टाइम बच्चा देती है वो भी चार दहात के लगभग चार दहात तो मानो मानो ठीक है भैया अगर कोई बकरी को आठ महीने में क्रॉस करा देता है तो वो बारह महीने में जब दो दाँत आती है ना तो वो बच्चा दे देती है सेकेंड टाइम चौदह महीने पंद्रह महीने में होती है ठीक है ये सेकेंड सिरोई ब्रीड की बात कर रहा हूँ सिरोई और गुजरी में कोई अंतर नहीं है भाई अंतर केवल किसका है केवल कलर का गुजरी टाइप वैसी आती है वाइट मुंह वाइट पैर और वो सिरोई में केवल स्पोटेड कलर और अजमेरी प्लेन कलर बाकी ब्रीड में कोई फर्क नहीं है भाई नाम से जानी जाती है भाई ये सिरोही है ये गुजरी है अजमेरी है आप सोच रहे हो सिरोही ब्रीड के बकरे अच्छे बनते हैं या गुजरी के अच्छे बनते हैं या अजमेरी अच्छे बनते हैं भाई ब्रीड के बकरे बस आप क्वालिटी देख के लोगे ना तो सब तीनों ब्रीड में एक ही वेट गेन है वेट गेन का भी कोई फ़र्क नहीं है ठीक है बस आप क्वालिटी चॉइस है आपकी भाई किस साइज़ का बकरा पसंद कर रहे हो उस पर डिपेंड है ठीक है वो है कि भाई कैसी हाइट लेंथ का बच्चा सेलेक्ट कर रहे हो वही वेट गेन होता है और वेट गेन का सबसे होता है कि भाई आप क्या बकरी को क्या चीज़ खिला रहे हो क्या खिला रहे हो उस पर नहीं कि यह सिरोही अजमेरी और गुजरी में कोई डिफरेंस नहीं है भाई केवल कलर का डिफरेंस है वेट गेन दूध की कैपेसिटी इसमें कोई फर्क नहीं है जैसी डाइट दोगे वैसी दूध देगी ठीक है जैसी ग्रोथ होगी और डाइट प्लान के बारे में सिरोही का मेन जो फीड होता है ना भाई मेन फीड जो सिरोही का आप कहते तो मेन फीड मेन फीड ये है सिरोही का लौंग पत्ती खेजड़ी की पत्ती राजस्थान की खेजड़ी नामक पेड़ होता है उसकी स्टोक की हुई पत्ती है ये बबूल नहीं है भाई वो है लोंग पत्ती बोलते हैं इसे हरी पत्ती इसे बोलते हैं यह स्टोक ले रहती है ये खेजड़ी नामक पेड़ होता है राजस्थान में ज़्यादातर पाया जाता है क्योंकि गर्म इलाके में ज़्यादा पाया जाता है पेड़ इसका पेड़ की पत्ती को सुखा के स्टोक में किया जाता है ये हरी पत्ती के है और सबसे बेस्ट फीड है ये सिरोई ब्रीड के लिए सबसे बेस्ट आप कहते हो गेहूँ का भूसा खिला दूँ भाई गेहूँ के भूसे से केवल पेट भरेगा बकरी ज़्यादा दिन खिलाओगे दुबली हो जाएगी अड्डिया दिखने लग जाएगी ये चीज़ है क्लियर गेहूँ का भूसा खिलाओ इसमें चोकर मिला के खिलाओ या दलिया मिला के खिलाओ लेकिन एक टाइम खिलाओ ज़्यादा नहीं ना गेहूँ का भूसा ज़्यादा खिलाओ ना ग्वार का भूसा केवल एक टाइम खिला सकते हो मैं बार बार बोलता एक टाइम बाकी आपको फीड खिलाना है अच्छी ग्रोथ रखनी है बकरी को तो चने का भूसा या या लौंग पत्ती ठीक है ये दिन भर खाती है भाई सूखे में दिन भर ये खाती है शाम को इनको दाना मिलता है धान के अंदर मक्का और जो का मिश्रण मिलता है या जो ज़्यादा मिलता है अभी इससे गर्मी है तो सर्दी में बाजरा चलता है मैं डाइट प्लान बता रहा हूँ भाई नॉर्मल से नॉर्मल इसके अलावा और भी कोई ऐड करो वो आप पे डिपेंड है कि जितना ऐड जितना अच्छा खिलाओगे उतनी बकरी की ग्रोथ अच्छी होगी ठीक है ग्रोथ अच्छी होगी तो ये ज़रूरी है भाई आप पहले तो आप चॉइस अच्छी रखो क्या आपको किस रेंज तक का बच्चा लेना है या किस रेंज तक की बकरी लेनी है अगर बकरी लेनी है ना भाई तो छोटे में मत जाओ आप सेकंड ब्याद की बकरी लो ज़्यादा दूरी के हिसाब से बकरी उठाओ भैया ऐसे नहीं बोल दूंगा मैं आप आप तो चार चार महीने की लोडेड बकरियाँ ले लो भाई देखो चार महीने की लोडेड बकरी है ना भैया बहुत रिक्स होती है क्योंकि वो बच्चे को एक ट्रांस से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना तो अगर वो सेटल भी नहीं हुई और इसको देखो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हर, हर किसी किसी को हर बंद बकरा सेटल नहीं होता है पचास बच्चों में बकरी दस बकरी में दो बच्चे तीन बकरी को कुछ कुछ दिक्कत हो जाती है दिक्कत ये है कि उसका वातावरण सेट नहीं होता और खान पीन सेट नहीं होता तो उसका होता है क्या निमोनिया बुखार अगर चार महीने की लोडेड बकरी को निमोनिया बुखार हो गई ना तो हंड्रेड परसेंट लिख के ले लो वो बच्चा फेंक देगी अगर एक दो दिन बुखार रहेगी तो बच्चा फेंक देगी ठीक है तो इतना रिक्स लो जल्दबाजी ना करो भैया ठीक है ये रिक्स लो कि मैं जल्दी से जल्दी पर, आ, जल्दी से जल्दी फार्मिंग करके चार महीने की लोडेड ले लूँ उसके बच्चे हो जाएँ फिर वो इसके बच्चे पाल लो आप रखो दो महीने या ढाई महीने की लोडेड ठीक है उसको सेटल करो या खाली भी बकरी लो तो बेस्ट है भाई आपको अगर आप अच्छे से फार्मिंग करना हो तो खाली बकरी लो लो खाली बकरी भी सेटल करो अच्छे से उसको ब्रीडिंग वहाँ कराओ ठीक है ये देखो भैया नए फार्मर को बहुत दिक्कत होती है लेकिन वो जानकार नहीं होना तो आपको जरूरी है जानकारी जानकारी में क्या जानकारी एक तो फीड के बारे में जानकारी हो वैक्सीन के बारे में जानकारी हो और जो इंजेक्शन लगने बुखार दुमोनिया इसकी पूरी जानकारी हो ठीक है ये तीन चार जानकारी जरूरी है और टाइम से टाइम डिवॉर्मिंग अच्छे से लिवोटोनिक जो बकरी कमज़ोर है अगर वो खा पी रही है खा नहीं पी रही है खा पी रही है फिर भी कमज़ोर है तो उसका पहले डिवॉर्मिंग करो फिर लिवटॉनिक दो फिर मल्टी स्टार दो ठीक है ये मिनरल मिक्सर दो तो बकरी की अच्छी ग्रोथ होगी दूध बढ़ाने के लिए भैया देखो जितना कैल्शियम बकरी को दोगे मतलब नेचुरल दो या आप आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं जितना कैल्शियम के, ही दूध होता है कैल्शियम दोगे उतना दूध बढ़ेगा बकरों को कैल्शियम कम देना बकरियों को ज़्यादा दे सकते हो बकरों को ज़्यादा नहीं देना केवल तो महीने के अंदर एक बार दे सकते हो ठीक है और बकरियाँ सेकेंड ब्यात होती है भैया बारह महीने में नहीं चौदह महीने में दो बार बच्चे देती है सिरोई ब्रिड फर्स्ट टाइम एक देगी सेकंड टाइम की क्रॉस होगी तो दो भी दे सकती है अगर साइज़ ग्रोथ अच्छी हुई तो तीन भी दे सकती है लेकिन बहुत कम चांस है कि बकरी तीन बच्चे देती है ठीक है बहुत कम ऐसे नहीं कि हाँ मैं बोल दूँ तीन बच्चे देती है भाई तीन बच्चे बहुत कम बहुत कम चांस रहते हैं कि तीन बच्चे देती है बकरी वो बड़ी साइज़ होती है अच्छी ग्रोथ होती है तब तीन बच्चे देती है बाक़ी सेकेंड टाइम में दो ही बच्चे देती है थर्ड टाइम में दो ही, दो ही देती है बस ये है कि बच्चे की साइज बड़ी हो जाती है ठीक है अच्छी ग्रोथ रहती है बकरी की अच्छी क्वालिटी रहती है तो बच्चे की साइज भी देखो जैसे कोई दो किलो का दे रही है तो कोई बकरी तीन किलो का बच्चा दे रही है एक साढ़े तीन किलो का दे रही है चार किलो का दे रही है अगर वो दो में से दो नहीं तो एक ही बच्चा देगी तो सीधा पाँच किलो का देगी एवी बच्चा देगी वो ब्रीडिंग में यूज़ करने के, के लिए तो बार चौदह महीने में दो बार बच्चे देती है सिरोई ब्रीड मैं बता दूँ तो अगर क्रॉस होने के बाद पाँच महीने लेती है पाँच महीने के बाद एक दो महीने का गेप देना है बच्चे को बकरी को बच्चा देने के बाद एक दो महीने का गेप जरूरी है वो बीस महीने में क्रॉस हो जाती है लेकिन आपको इतना जल्दी क्रॉस नहीं कराना है कम से कम दो महीने का गेप देना बकरी को क्योंकि उसका जो जो भाई देखो उसमें जो पूरी उसकी रिकवरी हो जाए बकरी की ऐसे नहीं कि भाई बच्चा देते बीस दिन के अंदर वापस क्रॉस करा दो जल्दबाजी है भाई तो बकरी की आपको आपको उसकी बकरी की मियाद कम होगी जैसे वो बा, पंद्रह बार बच्चा देने की होगी तो आप उसको आठ आठ बार बच्चा देने की ऐसी कैपेसिटी कर दोगे क्योंकि उसकी जो रिकवरी है ना वो होने होने से पहले क्रॉस करा रहे हो ठीक है उसके शरीर की ताकत पूरी वापस बन जाए दो महीने पहले बाद ही वापस क्रॉस कराओ अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो कम से कम एक महीने का तो गैप दो भाई कम से कम एक महीने का गैप देना चाहिए ठीक है बकरी को एक महीने का गैप देने के बाद वापस एक डेढ़ दो, दो महीने के बाद क्रॉस कराओ उसको अच्छे से डाइट दो मल्डन मिक्सर दो मतलब बकरी कमज़ोर सी नहीं दिखनी चाहिए साइनिंग रहनी चाहिए बकरी की हड्डी नहीं दिखनी चाहिए ऐसी डाइट देते रहो बकरी आपको हंड्रेड कमा के ही देगी भाई कभी नुकसान नहीं देती बकरी ठीक है बकरों में है भाई देखो बकरों तो एक जुआ है एक तरह का कैसे जुआ क्योंकि उसमें मार्केट के हिसाब से उसको रेट मिलती है बकरे की लेकिन बकरियाँ आपको कोई भी लेने आएगा ना तो बकरियाँ आपको दूध देती है ठीक है आप जितना खिलाओगे उतना दूध देगी आपको दूध का पैसा मिलेगा उससे आप बकरी को पाल सकते हो और जैसे उसका बच्चा दे तो वो बिल्कुल प्रॉफिट में रहता है जो भी बच्चा देती है ना बारह महीने में या चौदह महीने में दो बार चार बच्चे देती है समझ लो आप तो चार बच्चे आपको प्रॉफिट में हैं ठीक है वो हर जगह की रेट अलग है भाई सिरोही की ब्रीड आप अजमेर में क्या रेट है आपके बॉम्बे में क्या रेट है महाराष्ट्र में क्या हो उधर कोलकाता में क्या रेट है हर जगह की अलग अलग रेट रहती है सिरोही ब्रीड की तो जो बच्चा जो दूध देती है वो तो आपको बकरी उसी फीड पे तो वो अपना गुजारा काट लेती है लेकिन जो बच्चा देती है ना वही आपका प्रॉफ़िट होता है तो सिरोही सबसे बकरियों में ज़्यादातर प्रॉफिट है बकरों के बजाय ठीक है बकरों में क्या सिट्टा है भाई कभी भी मार्केट अगर ईद के बकरे पाल रहे हो कभी मार्केट डाउन गया तो आपको लॉस करना पड़ देता है अगर डाउन मार्केट हाई गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है लेकिन नुकसान तो नहीं है भाई अगर बकरे भी पालते हो तो नुकसान नहीं होता है बस आपको कम प्रॉफिट मिलता है बस इतना है ठीक है लेकिन बकरी में आपको प्रॉफिट ही है नुकसान नहीं है ठीक है भैया तो सेकेंड टाइम की बकरियाँ पालो बेस्ट रहेगा बारह महीने में ये लगभग दो बार बच्चे देती है दस वाली चौदह महीने में दो बार बच्चे देती है जो दो दो बच्चे देती है ठीक है और आपको सबसे बड़ी बात क्रॉस क्रॉस जिस ब्रिड से कराओ ना वो ब्रीडर एक नंबर होना चाहिए बकरियाँ आप बोले उन्नीस बीस ले लो मतलब थोड़ी छोटी साइज ले लो कम रेंज की ले लो लेकिन ब्रीडर जो है ना देखो आपने जो बकरियाँ बीस पच्चीस हज़ार की भी लेते हैं वो भी ठीक है कोई बंदा बारह चौदह की बकरियाँ भी लेता है वो बारह चौदह हज़ार की वो ठीक है लेकिन अगर ब्रीडर में कंजूसी कर दी जैसे अभी ये ब्रीडर पसाव ने कटा है इसकी रेट मैं बता दूँ खुल के लेकिन देने का नहीं है चार दाँत है ये चालीस का है भाई ठीक है इसका वजन होगा अस्सी से नब्बे के बीच में चार दाँत है इसमें कोई कमी नहीं है ब्रीडर के कान देखो सींग देखो नाक देखो ना, कलर देखो ठीक है कोई कमी नहीं है ये ये ब्रिडर मैंने इस बकरियों पर रहा एक नहीं दो ब्रीडर है एक ये है ये दो दांत है जो कब से ही है इसका पैर में मोच आ गई थी अब ठीक हो गई है पहले इसके पैर में मोच थी अब एक ये एकदम रिकवरी ठीक है ही दो ब्रीडर इसलिए क्योंकि जो बकरियाँ हैं ना ये कभी भी मेरे फार्म पर खाली नहीं रहे अगर ये एक दो महीने के और वापस वापस फिर जाए ना तो ब्रीडर है ठीक है तो इसलिए मैं ये रखता हूँ माल सेकेंड टाइम की बकरियाँ रखो बेस्ट है आपके लिए भैया अगर नया फार्मिंग कर रहे हो तो सेकेंड टाइम की बकरियों में ज़्यादा सोचो ठीक है आपको प्रॉफिट या नुकसान नहीं भाई डाइट प्लान बता दिया है सेकेंड टाइम की बकरियों का देखो मैं हर तरह की चीज़ रखता हूँ नमक भी रखता हूँ बकरी के डाइजेस्ट के लिए ठीक है और दिन भर ये कहते ही रहते हैं देखो इतना माल है स्टॉक में सेकेंड टाइम की बकरी आपके तो नहीं है देखो ये ये बकरियों की रेट बताऊँ अंदाज़ा में बारह हज़ार चौदह सोलह इसी रेंज की है अगर आप पट्टी में ले रहे हो तो हिसाब से रेट हो जाएगी लेकिन अंदाज़ा बता रहा हूँ एक मैं ऐसा नहीं कि भाई जैसा जैसी जितनी बकरियाँ ले रहे हो उसी हिसाब से रेट करता हूँ ठीक है भाई आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मैं रिप्लाई करूँगा थैंक यू धन्यवाद भाई